रानी तो बड़ी होती है, लेकिन वहां के जनकपुर के जो लोग थे, कई प्रकार के लोग, कोई तो सोच रहा है भैया क्यों हंसी करा रहे हैं, समझ में नहीं आता, इन बालकों को बैठक कर ही देते हैं। अब कोई कहने लगा भैया जो भी हो एक बात है, कई कई बार ऐसा होता है जो काम बड़े बड़े नहीं कर सकते उसको छोटे से कर दिया। लेकिन भैया तो प्रेमियों, जनकपुर वालों ने भी अपने पितृ देवताओं को याद किया है, पितरों को याद किया, हे पितृ देवताओं यदि हमारा कोई पुण्य हो, हमने कोई पुण्य किया है, कोई धर्म किया है, किसी विप्र को दान दिया, किसी विप्र की सेवा करी है, किसी संत की सेवा की है, गौ सेवा की है, तो हमारे उस पुण्य का प्रभाव हो और ये धनुष थोड़ा निर्मल हो जाए, इसकी कठोरता दूर हो जाए। कैसे मना रहे हो? बंदी पितर तो प्रेमियों जैसे ही आखिरकार उन्होंने पुण्यों का प्रभाव निवेदन किया, तो शिव धनु मृणाल की नाई, मृणाल कहते हैं चिंते को, तो शिव धनु मृणाल की नाई और तोरे को राम गणेश मनाई। पितृ देवताओं ये धनुष तिनके की तरह हो जाए, भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ दे। उधर जानकी जी ने भी निवेदन कर दिया कि बार बार विनती सुनी मोरी और कर्म चाप गुरुता अति थोरी। इसकी जो गुरुता है कहते कठोरता, इसकी जो कठोरता है वो दूर कर दो हे माँ भवानी और ये धनुष जल्दी से टूट जाए। इधर से भी प्रार्थना हो रही है, उधर से भी प्रार्थना हो रही है और उधर लक्ष्मण जी महाराज मन में प्रार्थना करने लगे, हे अब भगवान श्री राम धनुष को उठाएंगे, कहीं पृथ्वी हिल ना जाए तुम संभाल करके रहना। और उधर जानकी जी की प्रार्थना सुनी और भगवान श्री राम सोचने लगे कि कावर सा जब कृषि सुखाने समय को चूक पुनिकाने गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अपने कुल गुरु जो है गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर लिया है और साथ में गुरु विश्वामित्र मुनि उनको भी प्रणाम कर लिया। और जैसे ही प्रणाम करके और भगवान श्री राम अवधनुष का भजन के लिए उधर भगवान के निमित्त लक्ष्मण जी महाराज में निवेदन कर रहे हो और प्रेमियों गुरु ही प्रणाम मन की ना अनुलाघव उठा